ये रास्ता एक्चुअली कुछ ज्यादा ही खराब है। देखिए हैप्पी बर्थडे टू यू। गोवा वाले बीच पे बेबी स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। और फ्रेंड्स हम लोग सुबह सुबह बाहर बैठे हुए भी बढ़िया से धूप आ रहा है। देखिए एकदम बढ़िया से फर्स्ट क्लास धूप में ये भी खेल रही है। थोड़ा दिन बाद बोलेगी लेकिन हाय गाइस कैसे हो, दूध पी लो, पानी पी लो, चाय पी लो, माम खा लो। दादी लहसुन काट रही है, फेंक दी भगवान। लेकिन पेंगी देख रहा चाट रही है उसको, सोच रही थी इसके अंदर कुछ मारी लगी। इसको अभी लेके जाना है हॉस्पिटल एक्चुअली, इसका फिर से स्टेम दिलाना है। स्टेम दिला के लेके आए थे लेकिन आज भी दिलाना है और कल भी दिलाना पड़ेगा, तो थोड़ा देर में लेके जाऊंगा इसको स्टेम दिलाने के लिए। और देखिए दादी के साथ झगड़ा कर रही है। अरे मारो लो। गाइस मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में आके मैं बना रही हूँ खाना। दाल भात मेरा बन चुका है, सब्जी फ्राई कर रही हूँ। और इधर दादी को खाने का मन था आज आलू का और लौकी का पकौड़ा, जो लौकी रखा हुआ था तो मैंने सोचा मैं बना दूँ, तो वही बना रही हूँ। और फिर उसके बाद इन लोग का स्पेशल चीज बनेगा जो कि तो पहले ये बनाएगा, लोकल चिकन आ चुका है। और लोकल चिकन तो मैं नहीं खाऊंगा, हाँ तो इसलिए शायद मे भी कटेगा, वो नहीं कटेगा पता नहीं। तो मटन लाने के लिए, मटन जब आएगा तो देखा जाएगा। अभी प्रिपरेशन हो चुका है प्याज लहसुन का भी, बस वाय जैसे वैसे होप्सो मैं जल्दी बना दूं ताकि इन लोग सब खा ले। इधर लौकी का हो भी गया रेडी, अब आलू का बन रहा है तो गरम गरम आप खा लीजिएगा, ठीक है। आलू का मेरा फेवरेट है, बताए तुम। हाँ इसीलिए तो मैं सोची मैं बना दूं, और ये बने और आलू ना बनाओ तो आप बोलोगे ना कामचोर, तुम जान बुझ के नहीं बनाए, तुमको पता है। एक लोल हुआ ना, एक लोल हुआ ना, बताओ क्या लोल हो गया इन लोग का, लोल हो गया। मैं ऐसा ही बोलती हूँ, एक कहावत है पता है, कोई काम करने से पहले ना प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए। मींस कि देखिए आपका मसाला रेडी है, आप मटन आ नहीं रहा है वैसा ही हो गया, मसाला रेडी है बट मटन आया नहीं, लो बना नहीं। लो लोगे क्यों, लो लोगे कि मटन अभी नहीं मिलेगा, अब शाम को आएगा, मतलब नहीं मिला अभी, अब शाम को ही आएगा तो शाम को ही बनेगा। हम लोग का बहुत बड़ा मन, मुझको खाने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था, पहले मैं पानी आ रहा था पता है, मटन आ जाता उसके बाद प्याज लहसुन दादी काटती नहीं, दादी प्याज लहसुन सुबह ही काट दी, सुबह ही रेडी कर दी दादी सब कुछ। कोई बात नहीं, जब आएगा तब बन जाएगा, खराब तो होगा, रात को आएगा, फ्रिज में रख देने से हो जाएगा ना। ठंडा दिन है, खराब नहीं होगा। पकौड़ा चल रही है, पकौड़ा खाऊंगा अभी, बना दी। और ये देखे इतना सारा लिए क्योंकि ना ये खाएंगे नहीं दोपहर में। दो सीजन का है, एक ऐसा है हाँ, और एक आलू का है, आलू एक आलू का है, एक लौकी का है ना, लौकी का है। तो मैं आलू वाला लेके छोटा, हाँ बहुत गर्म है, गर्म तो है बट मजा आ रहा है कि नहीं वो बताइए। अरे आवाज तो आ रहा है क्रंची, मैं कुछ खाऊंगा नहीं दोपहर में, तो सारा एक ही ले लिया हूँ, जब इसे चाट मसाला थोड़ा मारता हूँ वो भी टेस्टी लगा, जल्दी खा लूँ। अभी हम लोग चल रहे हैं बाबू को दिखाने के लिए, और इसको देखिए आगे बैठ गई है मेरे साथ गाड़ी चलाने के लिए, बोल रही है मैं ही कार ड्राइव करूंगी, इसको गाड़ी चलाना आज है। मैं ड्राइव करा के सबको ले जाऊंगी, चलो गाड़ी चला बाबू, भूई 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 चला बाबू। ये ठंडी का दिन आता है ना बच्चे लोग, सर्दी हो जाता है तो नेबुलाइजेशन देना स्टार्ट हो जाता है, सब जगह नेबुलाइजेशन दिया रहे हैं सबका, वहाँ पे कितना सारा बच्चों का कोरोना हो गया, तो ऐसा ही हाल है। तो इसको लेके जा रहे हैं, अभी नेबुलाइजेशन देना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। और फिर इसको डॉक्टर को भी एक बार हम लोग को दिखा लेना पड़ेगा, तो दिखा लेंगे। और ये बहुत परेशान करती है, अभी गाड़ी चलाना है इसको, गाड़ी के स्टेयरिंग में बैठ के जाना है। चलो बैठ जाओ, अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठना बैठना, नहीं बैठ नहीं बैठेगी, धीरे धीरे जाऊंगा। हम लोग आके पहुंच गए, और इसको देखिए बदमाशी इसका खत्म नहीं हो रहा है, सच में बहुत बदमाशी कर रही है ना, ये सब नोच दे रही है सब कुछ, सब गिरा दी थी, मेरा संभालना मुश्किल हो रहा है उसको। चलो चलो चलते फटाफट से, इसको स्टीम दिलवाना है एक्चुअली, तो यहाँ पे लग जाएगा आधा घंटा के आसपास, तो जल्दी दिलवा लेते हैं, एकदम मजा से घेस लेती है। एकदम आगे से लेके यहाँ तक पूरा बच्चे का लाइन लगा है, पेशेंट का सिर्फ बेबी पेशेंट है, सिर्फ बेबी पेशेंट है, पूरा लाइन लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब पेशेंट ही पेशेंट, पता नहीं क्या बीमारी हुआ है, सबको स्टीम देना पड़ रहा है, मतलब हो गया फ्रेंड्स। और मुझको बोर लगे एक्चुअली एकदम, मतलब बहुत टाइम लग जाता है ना यहाँ पे, इसलिए बोर लग गया। और इसको देखिए अभी सो गई थी और अभी जाग गई ना, अभी सो गई थी, जब गैस लेती है तो सो जाती है और अभी जाग गई है।
इतना सारा बच्चे थे ना, इतना सारा पैसा, वही तो एक बेजी को इधर दिला रहे उधर दिला रहे, देख उसके एक बच्चा हाथ में चार चार बेजी दे दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया था। उसका ना वो खून पास नहीं हो रहा था, ब्लड फूल गया था, पूरा ब्लड ब्लड हो गया था, और उसी में बेजी कोंची जा रही है, कोंची जा रही है, मुझे दिखा दे सब देखे ना दिमाग खराब हो जाता है। तो इस लोगो ने कुछ नहीं खाऊंगा बोला, तो यहाँ से मैं बिना होटल पहुंचे था, अभी इधर बिना होटल देखिए, बिना होटल से मैं जलेबी ले लिया, इसका फेवरेट है, देखिए जलेबी देखती है खुश हो जाती है, ये भी खाएगी, टुकलू को भी खिलाओ, टिकले अब भी खाना जलेबी, ठीक है भी खिलाओ जलेबी, मैं भी खाऊंगा जलेबी खा और घर का देखूँ, खाना खाने का टाइम हो गया, लिखे थे 2 बज रहे हैं, 2 बजने वाले 10 मिनट है, तो 2 बजे खाने खाने का टाइम हो गया, इसलिए हम लोग घुसे नहीं, क्या खा लेंगे तो फिर घर में खाना नहीं खा पाएंगे, तो घर पे जाकर खाना खाएंगे, कुछ खाना जलेबी खा कर चलते हैं घर। देखिए बाबू हम लोग कहाँ जाएंगे, गोवा वाले बीच पे बेबी ठंडे ठंडे बीयर पियेंगे, नो डाउट, खतरा लग रही है, मस्त लग रही है, मस्त वहाँ जाने का प्लानिंग कर रहे हैं। ओहो कहिए जा रही हम दोनों चाची भतीजी। अच्छा चश्मा पहना, चश्मा फोड़ देगी हो? नहीं तोड़ेगी, बेटा दो हम पहन, हम पहन दो, देखो ए देखो बेटा कैमरा देख के मुंह बनाने लगती है। हाँ सच्ची में हो। चलो गोवा वाले बीच में पायल पहन जाएगी क्या? पायल पहन के पूरा स्विमिंग पूल में नाचेगी। मैं अभी आया था एक्चुअली चावल लाने के लिए, जो सरकारी राशन मिलता है ना, राशन लेने के लिए आया था, तो इधर से जाना पड़ेगा आगे, थोड़ा आगे है दुकान, वहाँ पे उस घर के पास है, उस घर में जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं रुक गया एक्चुअली। यहाँ पे हम लोग का इस जो पत्थर की तरफ मेरे देख सकते हैं, इस साइड में, इस साइड में पूरा देख सकते हैं, जो पत्थर है पूरा, वहाँ पे लोग भी बहुत सारे देख पाएंगे आप लोग, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, देखिए उधर बहुत सारे लोग हैं, उधर चारों तरफ उधर काम चल रहा है। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग का होता है क्या, यहाँ पे माघ बिहू जो होता है, हम लोग का जो बिहू होता है, तो माघ बिहू के दौरान यहाँ पे बहुत बड़ा मेला बैठता है हम लोग के यहाँ पे, मतलब बहुत बड़ा फेयर लगता है, मेला लगता है यहाँ पे, तो उस मेला के यहाँ पे पूरा जोरों शोर से तैयारी चल रही है, ये पूरा पत्थर में मेला बैठता है, मतलब दुकान वगैरह सब कुछ लगता है पूरा पत्थर में, यहाँ से लेके मतलब इधर पूरा एक घर के पीछे से लेके उधर आगे तक पूरा चारों तरफ मेला बैठता है पूरा वहाँ तक, और वहाँ पे एक्चुअली मेला का तैयारी किया जा रहा है, अभी वहाँ पे आनंद मेला आया हुआ है, तो उसका तैयारी लगा हुआ है अभी, तो वहाँ पे जोरों शोरों से काम चल रहा है, और 15, 16 और 17 को मेला बैठेगा हम लोग के यहाँ पे, 18 को भी रहता है कभी कभी, तो 18 को भी हो सकता है शायद मेला, तो मेला लगेगा यहाँ पे, और बहुत ही बड़ा होता है सब कुछ, मैं पहले ही ब्लॉग में बनाया हुआ हूँ, दिखाया हूँ आप लोगों को, और इस बार ही बनाऊंगा दिखाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन मेला होता है, बहुत ही अच्छा लगता है, और ये लोग एक्चुअली टमटम में आ रहा था, इस वजह से मैं रुक गया यहाँ पे, देखिए मैं आगे बढ़ गया था इसलिए रुक गया था, चलो चलो, तो ये लोग के पीछे पीछे जाऊंगा अभी, ये लोग के पास ही कार्ड वोड सब कुछ है ना, इस वजह से मैं रुक गया था, तो ये बहुत बढ़िया लगता है, बहुत बढ़िया माहौल होता है, अगर आप लोग आस पड़ोस के हैं तो डिमो में कचुमारी गांव में लगता है हम लोग के यहाँ पे, तो आप लोग आ सकते हैं यहाँ पे, एंजॉय कर सकते हैं, बहुत बड़ा मेला होता है, बहुत अच्छा लगेगा आके, पूरा धान कट गया है देखिए, इधर पूरा धान वगैरह सब कुछ कट गया इधर पूरा साइड में, पहले मैंने वीडियो बनाया था पूरा धान था तो बहुत अच्छा एक अलग ही व्यू था, लेकिन धान कट जाने से थोड़ा उतना भी अच्छा नहीं लगता है, खूबसूरत लग रहा है सनसेट, बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो वो लोग चला गया तो मैं पीछे पीछे चलता हूँ प्रॉपर, चावल ले लिया हम लोगों ने, देखे चावल तो ले लिया, लेकिन इन लोगों का तरीका देखिए कैसे बैठ के जा रहा है, बहुत खराब हालत है उसका, जब मोटू का तो ज़्यादा ही हालत खराब है, तो मैं भी चलता हूँ, एक्चुअली रास्ता थोड़ा सा खराब है हम लोग का यहाँ पे, तो चलता हूँ मैं भी, स्कूटी स्टार्ट करता हूँ, तो एक्चुअली कुछ ज़्यादा ही खराब है, देखिए वो आगे आगे लेके जा रहा है, लेकिन उसमें डर ही लगता है एक्चुअली, टमटम में बैठने से ज़्यादा ही डर लगता है, और यहाँ पे एक गाय बछरू ये सब तो है ही है, एनिमल लोग तो दिक्कत करते ही है, बकरी वगैरह सब निकलता रहता है इस रास्ते में, देखिए लोग बदमाश भी कर रहे हैं, और इसमें जाने में लोग कैसा लग रहा है बाबू, बहुत तभी ये रास्ता खराब है, बना नहीं है अभी तक, जल्दी बना देता तो अच्छा रहता, बिल्ली को पकड़ना चाहती है तोरो को तो पता था ना, बोल दो बिल्ली पकड़ ले बाबू, कैसे मुक्त करती देखा। तो गाइस फाइनली शाम हो गई है, और शाम को हम लोग का स्नैक टाइम हो चुका है, हम लोग मैं चाय पी ली, फिर मुझे याद आया कि हाँ कल का रखा हुआ केक था, फिर नहीं इनको दूंगी तो ये बोलेंगे सड़ा दो गला दो, लेकिन दो नहीं यार, हैप्पी बर्थडे हो रहा ना तुम्हारा, तो मेरा आज हैप्पी बर्थडे जस्ट नहीं है, जस्ट ऐसे केक काट रहे हो, तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे ठगरू, हैप्पी बर्थडे माय डियर क्यूटी गर्ल, ओह माय गॉड कौन बोला क्यूटी गर्ल, पागल हो जाऊंगा मैं, एंजल पूजा एंजल सोनिया ये फेसबुक का नाम सब ऐसा याद आता है मुझे पहले का ना, एक केक लाया था कल नहीं खाई आज खा रही, कल मंगलवार इतने नहीं खाई, केक बढ़िया था लेकिन टेस्ट करने चलिए टेस्ट करते हैं, कल गरम गरम था ना मजा, कल अच्छा लगा तुम्हारे वजह से नहीं खा पाए, कोई नहीं, सबसे पहले भगवान जी केक काटने से पहले प्रे करना चाहिए ना, और खिलाने से पहले प्रे कर रही हूं, कैसा
प्लेट में आपको दे देती हूँ, बाकी सबको भी हाथ आती हूँ। देखिए अभी रात को क्या हुआ हम लोग के साथ, इधर सिलेंडर खत्म लेके बैठ गया बाबू खाना बनाते बनाते ना, और अच्छा पटापट से मैं निकल के लेके आया हूँ। मतलब नहीं मटन ये लोग लाने के लिए गया था तो दिन में नहीं मिला था, तो अभी रात को मिला मटन तो ये लोग लेके आया। फिर लेके आया तो कब बनने को जैसे लिया सिलेंडर का टाइट ऑफिस, तो अभी हम लोग जा रहे हैं सिलेंडर लेने के लिए। ऐसा हो जाता है मतलब अचानक अचानक ये लोग का सिलेंडर खत्म होता है, ऐसा नहीं कि दिन में खत्म हो जाए, रात को खत्म होता है। अभी 8 बज रहा है और 8 बजे लोग का खत्म हुआ है, मतलब क्या बोलूं। ले लिया सिलेंडर, कैसा लग रहा है बाबू उठा के, कैसा लग रहा है उठा के? हो रहा बहुत, रुको रखो रखो छोड़ना पड़ेगा, पुइंक पुइंक बजाना पड़ेगा। ओ भगवान हालत खराब हो जा रहा है, रात रात के लोग काम करवाते हैं लेकिन दिमाग खराब होता है ना। चलो फाइनली अभी सिलेंडर लेके आया, इधर फिटिंग वटिंग कर दिया, तो इधर ये अभी जाकर कढ़ाई चढ़ाई है। खाना नहीं बना रही थी सिलेंडर नहीं लगा, और दिन में तुम क्यों नहीं बोलते, तुम लोग का सिलेंडर जब खत्म होता है दिन में बोलते हैं ना। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, नॉट एक्सक्यूज। खत्म होने से पहले ही 2 दिन पहले मैं बता चुकी हूँ कि गैस खत्म हो जाएगा, रेड रेड निकल रहा होगा, वो पता चल जाएगा घर का गार्जियन को। बस मेरा खाना बन ही चुका है, मैंने भात बना दिया है, सब्जी बना दिया, आटा गूंद दिया है, बस आटा रोटी बनाना है और मटन बनाना है, तो भी मटन बन जाएगा फटाफट, उसके बाद रोटी बना देंगे, फिर डिनर कर लेंगे, बस सिंपल। लेकिन वही नहीं होता ना, अभी नहीं लाता तो, तो गैस नहीं रहेगा तो कहाँ से आएगा? चूल्हा में कुछ नहीं कर सकती तुम, चूल्हा में बहुत दिन कर ली मैं, तो कुछ हो गया है और फाइनली बनेगा, बनेगा तो मुझको टेस्ट कराना है। ओके ओके, बनेगा मटन है, टाइम लगता है मटन बनने में। ये भी आ गया टेस्ट करने की बात किया तो बोलो दौड़ के आ गया। इसका वीडियो में देखा उस दिन, उस दिन वो जो बना था ये अकेले यहाँ पर, दो टेस्टी बर्थडे का खा, हम लोग इंसान नहीं है, हाँ है ना, तो हम लोग को बुलाना देना चाहिए नहीं। अब भी खाए थे वहाँ पे, मैं भिजवा दी थी चिकन, ठीक है। हाँ हाँ, मैं लेके गया था, मैं लेके गया था, मैं लेके गया था। मारो मारो इसका, मारो मारो मारो, याद आ गया मटन बन गया टेस्टी टेस्टी है ना बहुत। आप खा के देखिए ना, मेरे लिए तो लग रहा है ना, देखने में तो टेस्टी लग रहा है, आप खा के आप बताओगे ना टेस्टी है कि नहीं। चल मैं खा के टेस्ट कर लूँगा, टेस्ट करूँ। बाप रे बाप, बहुत टेस्टी, मजा आ गया। थैंक यू और खाओगे? थैंक यू। आई नो, बहुत मजा आ गया, सेफ कौन है? सिर्फ कोई भी हो ऐसा मजा नहीं मिलेगा, ठीक है। मुझको मजा मिलना चाहिए, नहीं नहीं मिलेगा, बहुत अच्छा लगा मुझे खाके, टेस्ट है ना, हमें रोक नहीं पा रहा हूँ, जल्दी जल्दी खाना। चलिए निकालते हैं। अभी हम लोग का निकलना हो गया है और आज सच में बहुत ही खतरनाक मटन बना था, मतलब मजा आ गया खा के मेरा, जो मुझे जो टेस्ट आ रहा है अभी भी ऐसा लग रहा है ना, टेस्ट अंदर ही अभी और खा लो, मन नहीं भरा मतलब आज खा के, सच में बहुत ही अच्छा बना। तो थैंक यू सो मच फॉर डिलीशियस डिश। थैंक यू, मैं अच्छा हमेशा ही खाना बनाती हूँ, ठीक है। झूठ मत बोलो, अब तारीफ कर दिया तो झूठ बोलने लगती है। मेरा कसम खाइए तो मैं हमेशा अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ। मैं अपना कसम क्यों खाऊं? मेरा कसम खाइए, मेरा कसम मैं क्यों खाऊं? खाना का तारीफ कर दिया आपने, तारीफों का पुल खुद बांधने लगी। मुझे अच्छा लगा, मैं थोड़ा सा तारीफ कर दिया तो अपने आप का तारीफ मतलब सातवें आसमान तक ले जाना चाहती है। इसके मतलब दिमाग खराब हो जाएगा इसके साथ बात करने। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर देता हूं। आया पार्ट का वीडियो आप लोग को पसंद आएगा, वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल में चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आपके वीडियोस नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच, टाटा, सी यू टुमारो, बाय, गुड नाइट। ये घुसा मारूंगा ना, कुछ नहीं खा रहा हूँ, तो बनेगा तो टेस्ट करेंगे, नहीं देगी तो इसका माथा फोड़ दूंगा मैं।